हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, डिजिटल ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर DAVR है जो BHEL मेक का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा DAVR का पार्ट टू वीडियो है फ्रेंड्स। जो पार्ट वन का वीडियो में हमने जो बेसिक DAVR का इसका फंक्शनैलिटी और इसका जो पर्पस क्या है, वो ऑटोमेटिक क्यों रहना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में और सारे डिटेल्स इसके बारे में बताया फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स BHEL मेक का DAVR के बारे में। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे हमारा वीडियो। शुरू करने के पहले फ्रेंड्स हम मैंने एक चीज़ बताता हूँ, जो बेसिक है हमारा जो DAVR है हमको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स तीन फंक्शन के लिए। एक हमारा इन केस ऑफ जनरेटर है, इसका जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट या इसका सेट पॉइंट पे मेंटेन करने के लिए, और इसका वोल्टेज मेंटेन करके इसका ट्रांसिएंट और डायनेमिक स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, और तीसरा मेन पर्पस है जो जनरेटर को इसको कैपेबिलिटी कर्व का अंदर ही इसको ऑपरेट करने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, या ये DAVR का जो बेसिक फंक्शनलिटी है फ्रेंड्स, इसी का पर्पस है। और हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो BHEL का DAVR है, टू टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम में BHEL ऑफर करते हैं। एक हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन है, दूसरा स्टैटिक एक्साइटेशन है। इसके बारे में हम इन डिटेल हमारा पार्ट वन का वीडियो में बताया फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है हमारा जो PLC सिस्टम है फ्रेंड्स, इस BHEL का DAVR का अंदर जो PLC है, बेसिकली हमारा DPU सिस्टम है, वो तीन तरफ का PLC सिस्टम यूज़ करते हैं। पहले वाला यूनिट्रॉल बेस्ड PLC सिस्टम है, दूसरा मैक्स DNA बेस्ड PLC सिस्टम है, तीसरा है वाल्मेट DNA बेस्ड PLC सिस्टम है फ्रेंड्स। मोस्टली हमको दिखने लगते हैं फ्रेंड्स, हमको मैक्स DNA बेस्ड PLC सिस्टम ही दिखते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसी के ऊपर ही कन्फाइन करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा जो स्टैटिक एक्साइटेशन जो BHEL ऑफर करते हैं, इसके बारे में हमने मतलब जो बेसिक फंक्शनैलिटी है इसका पार्ट वन का वीडियो में बताया फ्रेंड्स। दोबारा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। हमारा स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में जनरेटर का वोल्टेज से ही हमको थ्रू एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का थ्रू हम डिराइव करते हैं इसका मेन एक्साइटेशन को। थ्रू थायरिस्टर से हमको फील्ड ब्रेकर का थ्रू हमको जनरेटर का डायरेक्ट फील्ड वाइंडिंग में ब्रश का थ्रू जाते हैं फ्रेंड्स। और ये थायरिस्टर्स को जो फायरिंग करने के लिए जो भी कंट्रोल सर्किट यूज होगा या फायरिंग करने के लिए, वो हमारा PLC और जो DPU सिस्टम पीक करते हैं फ्रेंड्स, वो इसका काम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है। ये हमारा जो प्लांट में जो स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है ये फ्रेंड्स, ये इसका रेटिंग भी ज़्यादा होगा क्योंकि वो एक्चुअल जो फील्ड करंट का रेटिंग है इसके हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है, इसीलिए ये थोड़ा बड़ा दिखते हैं और इसका थायरिस्टर्स भी थोड़ा ज़्यादा रेटिंग का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मैक्स DNA का HMI फ्रेंड्स, ये हमारा PLC सिस्टम है DAVR का, और ये हमारा थायरिस्टर ब्लॉक्स है और हमारा पावर सर्क्यूट है फ्रेंड्स इसका अंदर। ठीक है, और ये हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है फ्रेंड्स, ये मैं आपको पार्ट वन वीडियो में बताया था इसके बारे में भी इन डिटेल। ये मोस्टली हमारे इंडस्ट्रीज में ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसका लेस मेंटेनेंस का वजह से, और इसका साइज़ भी बहुत कम है और इसका कॉस्ट भी कम है, इसकी वजह से मोस्टली इंडस्ट्रीज में ब्रशलेस एक्साइटेशन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। वो ब्रशलेस एक्साइटेशन में फ्रेंड्स, हमारा पार्ट वन में बता गया था ऑलरेडी, हमारा PMG से जो PMG इनपुट है, जो हमारा जनरेटर का शाफ्ट में ही रोटेट होते हैं, उसके इनपुट से हमको देते हैं हमारा थायरिस्टर ब्रिज को। ये चैनल वन और चैनल टू है फ्रेंड्स, जो सिलेक्शन के हिसाब से जो एक मेन में चलते हैं, दूसरा स्टैंड बाय में रहते हैं, और ये हमारा फील्ड ब्रेकर है। फील्ड ब्रेकर का थ्रू ये हमारा जाते हैं फ्रेंड्स, हमारा AC एक्साइटर में जाते हैं। AC एक्साइटर का जो रोटर वाइंडिंग है, थ्रू रोटेटिंग डायोड्स का थ्रू हमारा जनरेटर का रोटर में इंजेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो फायरिंग कैसे देना है, इसका बेसिस में हमारा कंट्रोल है फ्रेंड्स, कंट्रोल है। इसमें आप देखेगा तो एक मैनुअल चैनल है, एक ऑटो चैनल है इस स्कीम में फ्रेंड्स। ये स्कीम के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, मतलब ड्यूअल ऑटो चैनल, ड्यूअल ऑटो मैनुअल चैनल भी हो सकते हैं। इस स्कीम में हमको एक ऑटो चैनल, एक मैनुअल चैनल है फ्रेंड्स। ऑटो चैनल में हमको CT, PT और फील्ड करंट का इनपुट्स, ये सब इनपुट्स रहते हैं, और जो हमारा गेट कंट्रोल है उसके लिए यू सिंक्रोनाइजेशन वोल्टेज है, इसी से ही डिराइव करते हैं। पार्ट वन वीडियो में इसके बारे में इन डिटेल बताया फ्रेंड्स।
इसके बाद हमको पल्स जाते हैं फ्रेंड्स इसमें फाइनल पल्स टेस्ट का थ्रू। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम है। सो ये फील्ड में फ्रेंड्स जैसे हमको ये ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम है, स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है। इसका हार्डवेयर और फर्मवेयर मोस्टली सेम ही रहते हैं फ्रेंड्स। मतलब इसका जो थायरिस्टर ब्लॉक और फील्ड ब्रेकर ये सब का इसका ऑपरेशन वो सब का सेम ही रहता है लॉजिक। इसीलिए हम ब्रेसलेस एक्साइटेशन का सिस्टम में ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ये ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम में मैं आपको बताया था, ये हमारा इसको बोलते हैं फ्रेंड्स रेगुलेशन वन पैनल है, इसको बोलते हैं रेगुलेशन टू पैनल है फ्रेंड्स। और रेगुलेशन वन पैनल का ये डोर है सिंगल डोर है, और रेगुलेशन टू का फ्रेंड्स ऐसा मतलब डबल डोर है। ये इस साइड से खुलते हैं, इस साइड से खुलते हैं और एक ही की है लॉक है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। ये रेगुलेशन वन पैनल में जो हमको दिख रहे हैं इसको डीपीयू का जो हमारा डीपीयू प्रोसेसर होते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर, और ये हमारा डीपीयू प्रोसेसर का एचएमए है फ्रेंड्स। इस सिस्टम को बोलते हैं मैक्स डीएनए सिस्टम बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैक्स डीएनए का कंपनी है, वही हमको ये पूरा सॉफ्टवेयर और इसका फर्मवेयर डिज़ाइन किया था, इसीलिए मैक्स डीएनए सिस्टम है। और ये हमारा बीएचएल ने खुद ऑफर करते हैं थ्रू इसका टाइप का वजह से। तो ये हमारा मैक्स डीएनए सिस्टम का पीएलसी है, मतलब इसका एचएमआई है, और इसके अंदर इसका पूरा मैक्स डीएनए डीपीयू का और इसका पूरा हार्डवेयर रहता है इसके अंदर। ये हमारा डीएवीआर का जो हमारा पीएचएल का जो मेन डीएवीआर का इसका पीएलसी सिस्टम है, और इसका सारे फील्ड ब्रेकर सारे पावर सर्किट इसके अंदर रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम इन डिटेल इसके बारे में अभी प्रोसीड कर देंगे। जैसे हमको रेगुलेशन वन पैनल जो मैक्स डीएनए सिस्टम बताया फ्रेंड, इसका अंदर पैनल खोल दिया तो ये हमारा फ्रंट व्यू है जैसे दिखेगा, और बैक साइड से ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये सिंगल डोर पैनल है, इसका अगर डोर खोल दिया तो हमको फ्रंट साइड दिखेगा फ्रेंड्स। फ्रंट साइड हमको दिखेगा फ्रेंड्स, ये हमारा डीपीयू का प्रोसेसर वन है, प्रोसेसर टू, और इसका जो आईओ कार्ड्स है फ्रेंड्स, ये सब हमारा आईओ कार्ड्स है। ये ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स हमको पूरा आईओ कार्ड से, और ये हमारा नेटवर्क है जैसे कनेक्टेड है। और इसका रेयर व्यू में देखेगा तो फ्रेंड्स पीछे से हमको ये इसका स्विच है, ये इसका स्विचेस है, और इसका सारे टर्मिनेशन हमको दिखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा रेगुलेशन वन पैनल है, ये बेसिकली मैक्स डीएनए के लिए है, और हमारा रेगुलेशन टू पैनल है फ्रेंड्स ये है। इसमें एक फ्रेंड्स हमारा ये इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हमारा स्विंग रैक है, मतलब ये हमको जो हमारा स्विंग रैक है ये हमको क्या करते हैं आगे पीछे कर सकते हैं। इसको लॉक पोजीशन है, अगर इसको इस साइड घुमाने से इसको ऐसा मतलब डोर जैसे इसको ओपन कर सकते हैं, और इस स्विंग रैक पे हमको हमारा कंट्रोल कार्ड से और हमारा एचएमआई है फायरिंग कार्ड से सब रहते हैं फ्रेंड इसी पे। अगर इसको खोलने के बाद हमको ये सब दिखते हैं आगे ट्रांसड्यूसर सब, इसका टर्मिनेशन सब दिखते हैं, और इसको रेगुलेशन टू पैनल बोलते हैं। इसी के अंदर जो मोस्टली हमारा डीएवीआर का पूरा हार्डवेयर और इसका कंट्रोल पूरा इसी के अंदर ही रहता है फ्रेंड्स। और ये हमारा इसका रेयर व्यू देखेगा तो फ्रेंड्स सबसे नीचे इसका जो इसका पीटी का और सीटी का रिलेटेड जो ट्रांसफार्मर से ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर से वो है फ्रेंड्स। इसके बाद सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और ये हमारा फील्ड ब्रेकर है फ्रेंड्स हमारा, ये फील्ड ब्रेकर है, और इसका क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉयल है फील्ड ब्रेकर का, ठीक है। और ये हमारा थायरिस्टर ब्रिज वन और थायरिस्टर ब्रिज टू है फ्रेंड्स ये दोनों, ठीक है। और इसका कंट्रोल का स्विच है, मतलब पल्स ब्लॉक का कंट्रोल स्विच है फ्रेंड्स। इन डिटेल हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ये इसका बेसिकली ओवरव्यू है ये पैनल कैसे रहते हैं। जैसे हमको इसका हार्डवेयर देखेगा तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता रहा था इतना पार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, इतना पार्ट है। अगर आप देखेगा तो ये जो स्प्रिंग फ्रेम है जो आपको मैं ऑलरेडी बताया था ये हमको ओपन होते हैं। इस स्प्रिंग फ्रेम हमारा इस पैनल में जो हमारा ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम में एक ही पैनल है, इसीलिए हमको ये दिखते हैं फ्रेंड्स ऐसा, मतलब इस पैनल में ऐसे दिखते हैं। इसको स्विंग रैक ये बोलते हैं, और स्विंग रैक ये में जो टाइगर्स होते हैं वो सीक्वेंस में ऐसे होते हैं, जो स्विंग रैक ये में जो टाइगर ये में सारे एक चैनल का सारे कार्ड्स रहते हैं, और स्विंग रैक ये का बी भी हो सकते हैं अगर ये ड्यूअल ऑटो चैनल है तो। यहाँ इस स्कीमेटिक में ये सिंगल ऑटो चैनल है, ये हमारा ऑटो चैनल का कार्ड्स है, ये हमारा मैनुअल चैनल का कार्ड्स है, इसीलिए हमको एक ही रैक दिख रहा है, एक ही टाइगर दिख रहा था इस रैक में, टाइगर ये में यही दिख रहा था।
और इस रैक में टाइगर जी में ये हमारा फायरिंग कार्ड्स और हमारा एच एम आई का दिख रहे हैं, और इस कार का रैक में ये का इसका टाइगर एच में हमको जो दिख रहा था अनाउंसिएशन का रिलेटेड सारे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अनाउंसिएशन का रिलेटेड है अलार्म एंड रीसेट के लिए। तो अभी हम देखेगा तो जो टाइगर ये है पहले वाले में इसका अलग अलग पोजीशंस दिया फ्रेंड्स, जैसा 01 से लेकर यहाँ 81 तक दिया था, और जिस पोजीशन में पहले कार्ड ये कार्ड रख रहे हैं जो जिस पोजीशन में स्टार्ट होते हैं इसी के हिसाब से इसका लोकेशन बताते हैं। ये मतलब ये स्विंग रैक ये का टाइगर ये में जो पहले पोजीशन में जो कार्ड है ये है फ्रेंड्स, इसको है हमको पावर सप्लाई कार्ड बोलते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा पावर सप्लाई कार्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पावर सप्लाई कार्ड है, इसका कार्ड नेम है PY2AA है, और इसका जो ड्राइंग नंबर भी, इसका जो ड्राइंग सीट नंबर भी यहाँ दिया गया था, हमने इसका ड्राइंग ये डीएवीआर का ड्राइंग कैसे पढ़ना है इसके बारे में एक अलग वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये हमारा ये है मतलब इसका पल्स सप्लाई कार्ड है, सॉरी इसका पावर सप्लाई कार्ड है। इसके बाद इसका 9th रैक में खाली है, कुछ भी नहीं है, और 13th है इस पोजीशन में भी जो कुछ भी नहीं है, खाली है, ये सब खाली है फ्रेंड्स। इसके बाद 29th में हमको कार्ड एक दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा ये 29 में स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए 29 है, इसका ड्राइंग का सीट नंबर दिखाया था, और इसका कार्ड नंबर है फ्रेंड्स UN0663 है, ये हमारा फायरिंग कार्ड है फ्रेंड्स डीएवीआर का, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, ये हमारा मैनुअल चैनल है, इस मैनुअल चैनल में सिर्फ पावर सप्लाई और फायरिंग कार्ड ही रहते हैं फ्रेंड्स, और कुछ नहीं रहते हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ है ऑटो चैनल का, ये ऑटो चैनल में भी 37 में, सो इसका लोकेशन ये है 37 में, हमारा पावर सप्लाई कार्ड है, और इसके बाद हमारा ये खाली है 45 में, इसके बाद ये है 49 में UN0660, इसका मेन प्रोसेसर कार्ड है फ्रेंड्स, ये CPU कार्ड बोलते हैं इसको, कंट्रोल कार्ड है, हमारा मेन कंट्रोल कार्ड है इसका PLC सिस्टम का। और इसके बाद 53 पोजीशन पे ये 53, इसमें UN0661 है, इसको इंटरप्ट जनरेटर कार्ड बोलते हैं फ्रेंड्स, इंटरप्ट जनरेटर कार्ड बोलते हैं, इसकी इन डिटेल फंक्शनलिटी हम आगे बता देंगे। इसका बाद फ्रेंड ये 57 का पोजीशन में, ये 57 में इसमें UN0610 हमारा एनालॉग कार्ड बोलते हैं इसको, इसको इवन ABD कार्ड भी बोलते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कार्ड भी, ओके फ्रेंड। इसके बाद हमारा ये 61 का पोजीशन पे हमको एक जो कार्ड दिख रहे हैं UN0662, ये हमारा डिजिटल IO कार्ड है फ्रेंड्स, जो भी डिजिटल इनपुट आउटपुट आता है इसी का थ्रू आते हैं फ्रेंड्स, इसी में आते हैं, इसके थ्रू हमको प्रोसेसर में जाते हैं, और कुछ इनपुट से इसके थ्रू हमको DPU जो मैक्स DNA में जाते हैं, और कुछ इनपुट्स मैक्स DNA से यहाँ आते हैं फ्रेंड्स, ऐसे मतलब ट्रांसफ़र होते हैं, और बाकी ये सब खाली है फ्रेंड्स इसकी पोजीशंस में। ये हमारा कार्ड का डिटेल है, जो हमको जो एनालॉग इनपुट आते हैं फ्रेंड्स, डिजिटल इनपुट का तो मैं आपको बताया था, आगे भी हम इन डिटेल बता देंगे। जो एनालॉग इनपुट आते हैं वो ये सबसे पहले एक एनालॉग चाना मतलब एक एनालॉग इंटरफेस कार्ड में आते हैं फ्रेंड्स, U01 U02, आगे मैं बता देंगे। इसके बाद वो एनालॉग इनपुट इसका इंटरप्ट जनरेटर कार्ड में आता है, इसके बाद एनालॉग ABD कार्ड में आते हैं फ्रेंड्स, मतलब एनालॉग कार्ड में आते हैं, इसके बाद हमारा CPU में जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इन डिटेल हम बता देंगे। इसके बाद इस रैक्स को मतलब इस कंट्रोल कार्ड्स को कूलिंग के लिए फैन दिया गया था, और इसका ड्राइंग नंबर में इसका ड्राइंग का जो सीट नंबर भी यहाँ दिया था, और ऐसे 3 फैन दिया था फ्रेंड्स 3 अलग अलग लोकेशंस में। ये हमारा टायर ये हो गया फ्रेंड्स, ये टायर ये का। अभी टायर जी में, जो टायर जी में हमको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा ये कार्ड्स आपको देख रहे हैं तो दोनों सेम ही दिख रहा था, UN0609, ये दोनों है फ्रेंड्स हमारा पल्स फाइनल पल्स कार्ड है फ्रेंड्स, जो हमारा फाइनल पल्स टेस्ट का, इसको फाइनल पल्स टेस्ट कार्ड भी बोलते हैं। ये चैनल 1 का है फ्रेंड्स, ये चैनल 2 का है, ये दोनों इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंज कर सकते हैं। जो हमारा फायरिंग कार्ड का थ्रू, जो चैनल 1 का फायरिंग कार्ड का थ्रू ये फाइनल पल्स टेस्ट में आते हैं, और दूसरा फायरिंग कार्ड का थ्रू ये फाइनल पल्स टेस्ट दूसरे कार्ड में आता है फ्रेंड्स, ये चैनल 1 का, ये चैनल 2 का। इसके बाद चैनल 1 और ये कोई एक ही सर्विस में रहते हैं, इसीलिए ये दोनों मिला के यहाँ इस कार्ड में आते हैं। इस कार्ड में ये पल्स ब्लॉकिंग कार्ड बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको ये कार्ड को बोलते हैं पल्स ब्लॉकिंग कार्ड, ये CT370 है। इस कार्ड में ये दोनों का इनपुट आते हैं, जिसका
आगे मतलब जिस थायरिस्टर चल रहा था उस थायरिस्टर का इनपुट ये आगे चला जाता है, जो दूसरा स्टैंड पे है इसका पल्स यहाँ ब्लॉक हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए स्मूथ चेंज ओवर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक दूसरा थायरिस्टर का कार्ड यहाँ तक इसका पल्स कंटिन्यूसली आता रहते हैं इन केस ऑफ चैनल चेंज ओवर में, इसीलिए डायरेक्टली इसका फायरिंग पल्स इसको रिलीज कर देते हैं और दूसरा को ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ ये सब खाली है, ये सब खाली है, और ये हमारा जो हमारा माइक्रो टर्मिनल है इसको दिया था, AG-45 है माइक्रो टर्मिनल है, मतलब ये इसका AG का जो 45 लोकेशन में है AG कार्ड में। यहाँ भी देखेगा तो AG-0 ने फर्स्ट फर्स्ट स्लॉट है यहाँ यहाँ दिया था, और ये हमारा AG-03 है फ्रेंड्स, मतलब ये दोनों सिंक नहीं हुआ था इसीलिए बेसिकली AG-03 पे यहाँ 3 का है। ऐसे AG-05 पे जो पोजीशन के हिसाब से ये कार्ड इसका जो लोकेशन बताते हैं ये लोकेशन, और ये हमारा बेसिक ये है फ्रेंड्स, इसका फिजिकली कैसे दिखते हैं हम दिखेंगे यहाँ। जैसे यहाँ रेगुलेशन टू पैनल में आपको ऑलरेडी बताया था, ये हमारा स्विंग फ्रेम है जो आगे पीछे मूव करते हैं डोर जैसा। इस स्विंग फ्रेम में यहाँ टायर ये फ्रेंड्स, ये टायर भी है, यहाँ ड्यूअल ऑटो 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 चैनल है फ्रेंड्स, इसीलिए टायर ये में एक ऑटो चैनल है और एक हमको दिख रहा था मैनुअल चैनल, और दूसरा एक टायर टू में एक ऑटो चैनल और एक मैनुअल चैनल दिख रहे हैं फ्रेंड्स हमको। इसमें सारे कार्ड्स में आपको बताया था, जो CPU कार्ड है, जो ऑटो चैनल का इंटरप्ट जनरेटर कार्ड है, एनालॉग कार्ड है, और ये काली दिख रहे हैं हमको, ये डिजिटल कार्ड है, और सॉरी ये फायरिंग कार्ड है, ये डिजिटल कार्ड है फ्रेंड्स हमारा। ऐसे ही इसमें मैनुअल चैनल है फ्रेंड्स, ऐसे ये भी मैनुअल चैनल है, ये भी सिमिलर है फ्रेंड्स, ये पावर सप्लाई कार्ड है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमको बताया था। ये हमारा रीसेट करने के लिए, और ये लोकल रिमोट का स्विच है, और इसका जो भी मतलब अनाउंसेशन आता है वो यहाँ आता है इंडिकेशंस का फॉर्म में, और ये हमारा माइक्रो टर्मिनल जो आपको बताया था, और जो माइक्रो टर्मिनल है इसका जो डाटा देते हैं हमारा CPU से देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा CPU से कनेक्ट करते हैं, और ये हमारा इसका जो कीपैड पैनल है फ्रेंड्स हमारा, ये हमारा रैक जो टायर जी जिस स्विंग फ्रेम ये का टायर जी में हमारा ये हमारा कार्ड से फ्रेंड्स, ये अलग टाइप का डिहेवियर है, स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम का डिहेवियर है फ्रेंड्स, इसीलिए हमको हमको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ दो पावर सप्लाई है, ये इंटरमीडिएट स्टेज का फायरिंग फायरिंग कार्ड है, ये फाइनल स्टेज का फायरिंग कार्ड है, ये पल्स ब्लॉक कार्ड है फ्रेंड्स हमको दिख रहा था यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जैसे एक एक कार्ड के बारे में, अभी एक एक कार्ड में बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पावर सप्लाई कार्ड है जो हमको ये दिख रहा था हमको पावर सप्लाई कार्ड, अगर इस पावर सप्लाई कार्ड को देखेगा तो इस पावर का सप्लाई कार्ड में सबसे हेल्दी है, सारे से इनपुट अगर हेल्दी है तो ये ऑन दिखते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका इनपुट हेल्दी है तो पावर सप्लाई का कार्ड का ये ऑन का इंडिकेशन जलते हैं। इसके बाद इस पावर सप्लाई कार्ड में 0+24 वोल्ट है, दो टर्मिनल 0+24 वोल्ट, और ये लेफ्ट साइड वाला -15 वोल्ट, राइट साइड वाला +15 वोल्ट है, और ये तीसरा वाला हमारा 0 वोल्ट है, और ये हमारा +5 वोल्ट है फ्रेंड्स। कभी आपको वोल्टेज मेजर करना है तो ये पावर सप्लाई कार्ड हेल्दी है नहीं है देखने के लिए, तो पहले सबसे पहले ये इंडिकेशन जल रहे हैं नहीं है देखना है फ्रेंड्स, अगर जल रहा है तो इनपुट सप्लाई इसका हेल्दी है। इसके बाद इसका जीरो जो रेफरेंस है इसका टर्मिनल है, मतलब हमारा मल्टीमीटर का जो रेफरेंस टर्मिनल है इसको जीरो में रखना है, और इसको अगर इसमें देखेगा तो 24 वोल्ट दिखेगा, इसका इसमें देखेगा तो -15 वोल्ट दिखना चाहिए, इसमें +15 वोल्ट दिखना चाहिए, इसमें +5 वोल्ट दिखना चाहिए, तब ये हेल्दी है नहीं देखने के लिए फ्रेंड्स। ये हमारा पावर सप्लाई कार्ड है, इसी के थ्रू सारे कार्ड्स को हमको पावर सप्लाई मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर ये पावर सप्लाई कार्ड बंद हो गया, फेल हो गया, तो ये सारे इंडिकेशंस चला जाते हैं और सारे कार्ड्स आउट हो जाते हैं, पूरा DAEs का सिस्टम बैठ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा CPU कार्ड में आपको ऑलरेडी बताया था, ये हमारा CPU कार्ड है। इस CPU कार्ड में फ्रेंड्स हमको सबसे पहले ये इंडिकेशन दिया गया, अगर CPU कार्ड हेल्दी है नहीं, रनिंग में है, हेल्दी है नहीं है बताने के लिए, अगर सबसे पहले इंडिकेशन है फॉल्टी है, अगर ये फॉल्ट में पड़ा है तो हमको बहुत ध्यान से किसकी वजह से फॉल्ट हुआ वो सब देख कर रिसेट करना पड़ता है, और इसका डिफरेंट इंडिकेशंस दिया गया है फ्रेंड्स। अगर इन केस इसको फॉल्ट में पड़ा है, इसको रीसेट करने के लिए रीसेट बटन दिया था,
लेकिन ये कभी भी जो रनिंग है, जो रनिंग जनरेटर में जो डीएवीआर है, इसमें कभी भी इसको रीसेट नहीं दबाना है फ्रेंड्स। इसको रीसेट करने से ये चैनल चेंज और हो जाते हैं, अगर इस चैनल पे चल रहे हैं तो। ये चार्जर मतलब ये डीएवीआर का जिसका चैनल में हमको रीसेट कर रहे हैं, वो चैनल टेम्प्रेरी थोड़ी देर के लिए, जब तक रीसेट नहीं होगा तब तक आउट हो जाते हैं। इसीलिए इन केस उस चैनल पे अगर चल रहे हैं तो वो चैनल में दूसरे चैनल पे चेंज और हो जाते हैं, चैनल फेल आ जाते हैं। इसीलिए कभी भी ध्यान से रीसेट करना है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इसका जो केबल है हमारा माइक्रो टर्मिनल में कनेक्ट हो रहा था। नेक्स्ट हमारा इंटरप्ट जनरेटर कार्ड है फ्रेंड्स। इंटरप्ट जनरेटर कार्ड है, इसमें हमको, मैं आपको बताया था, सारे एनालॉग इनपुट्स इसमें आता है। इसके बाद हमारा एनालॉग इनपुट्स में कार्ड में जाते हैं। इसमें आप देखेगा तो UR, US, UT है, जो हमारा तीनों, इसमें भी हमारा फेल का इंडिकेशन है फ्रेंड्स। अगर ये नहीं जल रहे हैं मतलब ये कार्ड सही है, और इसमें जो इंडिकेशन मतलब डिफरेंट टेस्ट पॉइंट वोल्टेज मेजर करने के लिए दिया था, पहले UR, US, UT है हमारा जनरेटर का वोल्टेज है, और U1, UT है फ्रेंड्स हमारा कार्ड का इंटरनल कंट्रोल वोल्टेज जो आता है वो है, उसको जनरली है फ्रेंड्स। ये U1, U2 है, U1 यहाँ का 1.4 वोल्ट आना चाहिए, U2 है 0.7 वोल्ट आना चाहिए फ्रेंड्स, दोनों DC है। और ये बेसिकली U1, U2 अगर नहीं आ रहे तो ये कार्ड का अंदर का वोल्टेज है। अगर ये U1, U2 सही नहीं आ रहे मतलब इसका पावर फैक्टर और इसका एक्टिव और रिएक्टिव पावर DAVR में सही से सेंस नहीं होगा फ्रेंड्स, इसके लिए यूज़ करते हैं वो हमको इंडिकेशन के लिए। अगर इन केस हमको पावर फैक्टर या एक्टिव या रिएक्टिव पावर सही नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले हम U1, U2 देखते हैं फ्रेंड्स, वो हम ट्रबल शूटिंग का वीडियो में इन डिटेल हम डिस्कस कर देंगे। इसके बाद हमको इस कार्ड में UR, US, UT जो जनरेटर का AC वोल्टेज है तीनों, और जनरेटर का IR, IY, IB AC वोल्टेज करंट है। इसके बाद जनरेटर का IG है, ये कार्ड का अंदर प्रोसेस होने के बाद जो DC वोल्टेज आते हैं वो है। ऐसा हमको UG है जनरेटर का DC वोल्टेज है फ्रेंड्स, ऐसा कंट्रोल वोल्टेज UC है, ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल वोल्टेज है, और U1, U2 भी यहाँ भी दिया फ्रेंड्स, और 0 वोल्ट है और फील्ड करंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे डिफरेंट है पॉइंट्स दिया था हमको चेक करने के लिए इस कार्ड का हेल्दीनेस को। इसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स हमारा एनालॉग इनपुट कार्ड है फ्रेंड्स, सॉरी, इसके बाद हमारा ये हमारा एनालॉग इनपुट कार्ड है, और ये हमारा फायरिंग कार्ड है फ्रेंड्स हमारा। ये हमारा फायरिंग कार्ड में आपको डिफरेंट इंडिकेशंस दिया गया है, और नीचे वोल्टेज का मतलब सारे पल्सेस से RTS सारे थायरिस्टर्स का जो पल्सेस से दिया था, और इसका सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज दिया फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इसका डिफरेंट इंडिकेशंस है LED का, अगर LED 3 है इसमें जो दिख रहा था ये, इसका ये अगर यू सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज है, अगर सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज हेल्दी है नहीं है ये दिखाने के लिए इंडिकेशन है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ये LED 3 है हमारा, ऑटो में तो वो जलते हैं, LED 7 है इसका मैनुअल में जलते हैं, जो इसका बगल में नंबर दिख रहा था, और LED 4 है अगर ये कार्ड इंटरनल मोड में कंट्रोल हो रहा था। अगर DAVR से कंट्रोल नहीं है, इंटरनल में मोड में कंट्रोल में है तो इसको हाइयर दबाने से इसका फायरिंग पल्सेस बढ़ते हैं, इसका फायरिंग एंगल मतलब कम होते हैं, और इसका आउटपुट वोल्टेज बढ़ते हैं, और लोअर करने से इसका मतलब फायरिंग एंगल बढ़ते हैं और आउटपुट वोल्टेज कम होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका मिनिमम LED है, इनकेस मैनुअल है तो मिनिमम LED जलते हैं, मतलब ये इसका मिनिमम फायरिंग मतलब इसमें चल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट हमारा रैक जी में, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो टाइगर जी में जो हमको AG में जो दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको पहले भी बताया था, ये हमारा पावर सप्लाई कार्ड है फ्रेंड्स। इसका जो आउटपुट ऑन नहीं है इंडिकेशन दिखा रहा था, और इसमें ±15 वोल्ट, प्लस वोल्ट 15 वोल्ट और 0 वोल्ट का सर इसका वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, और 15 वोल्ट AC भी दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा भी इसका पावर सप्लाई कार्ड है, दूसरा भी पावर सप्लाई कार्ड दिया था, एक इसके लिए एक दूसरा चैनल के लिए है। और ये हमारा इंटरमीडिएट पल्स स्टेज है फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट पल्स स्टेज है, मैं आपको पहले भी बताया था, अगर इसका पल्सेस देखना है तो इंटरमीडिएट पल्स स्टेज में ये हमारा पल्सेस यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा फाइनल पल्स स्टेज है फ्रेंड्स, फाइनल पल्स स्टेज का भी यहाँ पल्सेस देख सकते हैं। इसके बाद हमारा ये फील्ड ब्रेकर है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताया था, इसको दिखाया था, ये हमारा फील्ड ब्रेकर है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फील्ड ब्रेकर है।
इस स्पीड ब्रेकर का ये हमारा एक हमारा क्लोजिंग कॉयल है, एक हमारा ट्रिपिंग कॉयल है फ्रेंड, इसके थ्रू ये स्पीड ब्रेकर ऑपरेट होता है फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट हमारा फील्ड ब्रेकर के बाद ये हमारा थायरिस्टर ब्रिज है फ्रेंड्स, ये ब्रिज वन है, ब्रिज टू है, और ब्रिज वन को मतलब पल्स ब्लॉक कंट्रोल के लिए एक स्विच दिया था और ब्रिज टू के लिए पल्स ब्लॉक कंट्रोल के लिए एक स्विच दिया था फ्रेंड्स। जनरली इसको हम यूज नहीं करते कभी भी, जो जैसा स्टार्टिंग से जैसे बनते हैं ऐसे ही रहते हैं, इसको कभी यूज नहीं करते इस स्विच को। लेकिन इस स्विच से हमको पल्स ब्लॉक कैसे करना है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए चैनल वन का थायरिस्टर ब्रिज है, चैनल टू का थायरिस्टर ब्रिज है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम पार्ट वन का वीडियो में इन डिटेल समझाया था हमने। इसके बाद हमारा U01 और U02 कार्ड है फ्रेंड्स, ये हमारा एनालॉग इंटरफेस कार्ड है। ये सबसे पहले हमको जितना भी जनरेटर का वोल्टेज है और हमारा सिंक्रनस वोल्टेज है, जो सिंक्रनाइजिंग वोल्टेज में आपको बताया चैनल वन और चैनल टू के लिए जो आते हैं, सिंक्रनाइजिंग वोल्टेज है, जनरेटर करंट है, फील्ड करंट है, ये सारे इस टर्मिनल्स में आते हैं फ्रेंड्स, इस टर्मिनल में आते हैं। इस टर्मिनल के बाद ये सारे ट्रांसफार्मर से इसको सूटेबल वोल्टेज में हमको, मतलब सूटेबल वोल्टेज जो हमारा कार्ड के लिए डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन है वो चेंज करके बता चेंज करते हैं फ्रेंड्स। और इसका ये सारे इसका मतलब हमारा कैलिब्रेशन करने के टाइम पर अगर इसका आउटपुट वोल्टेज सही नहीं आ रहा है तो ये रेसिस्टर्स को चेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स। इसमें जितना सारे इनपुट्स आते हैं तो उतना सारे रेसिस्टर्स होते हैं, इसका कैलिब्रेशन रेसिस्टर्स है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा U01 एंड U02, इसको बोलते हैं एनालॉग इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो ये मैक्स DNA का जो सिस्टम है फ्रेंड्स, इसकी मैं आपको पहले बताया था, ये हमारा प्राइमरी DPU है, प्राइमरी प्रोसेसर है फ्रेंड, ये प्रोसेसर यूनिट है, डिजिटल प्रोसेसर यूनिट है, और ये हमारा सेकेंडरी डिजिटल प्रोसेसर यूनिट है मैक्स DNA का, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये हमारा स्विच का थ्रू हमारा HMI में कनेक्ट होते हैं और हमारा मेन सिस्टम का साथ भी कनेक्ट होते हैं फ्रेंड। सो ये हमारा प्रोसेसर्स दोनों हैं, और प्रोसेसर्स का इसका कौन सी प्रोसेसर चल रहे है क्या है इसका इंडिकेशंस दिया गया था, और मैक्स DNA का इस हार्डवेयर और इसका जो फर्मवेयर के बारे में हम अलग वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स। इस वो आप वीडियो बिल्कुल देखना है फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और इसके बाद ये प्रोसेसर हो गया, इसके बाद हमारा ये हमारा एनालॉग और डिजिटल का कार्ड से फ्रेंड्स, जितना भी हमारा IOs है एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स का कार्ड से ऐसे दिया गया था, एक एक रैक में इसको दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये माइक्रो टर्मिनल है हमारा, जो DAVR का जो माइक्रो टर्मिनल है, और ये हमारा CPU से जो डाटा आ रहा है ये इसका दूसरे एंड कनेक्शन CPU का CPU में देखा है फ्रेंड्स हम लोग, CPU का जो कंट्रोल कार्ड में देखा था, ये CPU का कंट्रोल कार्ड से डाटा लेकर हमको ये चार मतलब ये हमको चार सिग्नल दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये चारों सिग्नल है, ये चारों सिग्नल में कौन सी सेलेक्ट करना है ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कभी भी अगर इसमें यू ऑक्स वोल्टेज चाहिए या यू रेफरेंस वोल्टेज, यू एक्चुअल, यू सी हमारा कंट्रोल वोल्टेज, यू रेफरेंस इज एक्चुअल मतलब जो DAVR का रेफरेंस वोल्टेज है, यू एक्चुअल इज हमारा एक्चुअल जनरेटर वोल्टेज है, ये फील्ड का एक्चुअल करंट है, यू सी हमारा जो फायरिंग कार्ड में यू सी जितना ज़्यादा है तो उतना फायरिंग होगा फ्रेंड्स, यू सी बेसिकली यू सी का रेंज है फ्रेंड्स +10 से लेकर -8.5 वोल्ट तक है फ्रेंड्स, जो इसका रेंज है, जो हमारा फायरिंग एंगल का रेंज है फ्रेंड्स, जो अल्फा इक्वल टू 0 है उसमें +10 वोल्ट रहते हैं, अल्फा इक्वल टू जो हमारा मैक्सिमम है उस 180 डिग्रीज में हमारा -10 रह -8.5 रहता है फ्रेंड्स। इसका रेंज है डिपेंड्स ऑन DAVR के हिसाब से, जो जैसे UC बढ़ता है तो इसका फायरिंग एंगल कम हो जाता है, मतलब इसका आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है फ्रेंड्स, जैसे 2 वोल्ट्स पॉजिटिव जाता है, तो हमारा UC का सिग्निफिकेंस ये है। हमारा इवन जो नल बैलेंस भी दिखते हैं वो UC का डिफरेंस ही दिखते हैं, चैनल वन का UC और चैनल टू का UC में। अभी ये चैनल वन में लगाया तो चैनल वन का CPU में लगाया तो चैनल वन का UC का दिखेगा ये। ऐसे ये हमारा रिएक्टिव करंट है, रेसिस्टिव करंट है और रिएक्टिव करंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हमको कभी भी ये लेफ्ट साइड घूमना है तो कभी भी आपको जो येलो इंडिकेशंस दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसको दिखाने के लिए इसको अगर एक्टिवेट करना है तो पहले शिफ्ट दबाना है, जैसे शिफ्ट दबाएगा तो येलो दिख रहे हैं वो होगा फ्रेंड्स, जैसे हमको नॉर्मली हम दबाएगा तो यहाँ ऑलरेडी स्क्रीन का कर्सर यहाँ है, अगर उसमें आप नॉर्मली ये दबाएगा तो फ्रेंड्स ये बटन दबाएगा तो यू रेफरेंस का जगह ये IG एक्चुअल IGAC आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ, और इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ,
अगर इनकेस आप शिफ्ट दबा के यहाँ, अगर यहाँ इसको दबाएगा तो यहाँ यू ऑक्स आएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा फिर। तो ऐसे ही आप अगर इसको मतलब लेफ्ट और राइट दबाने के लिए ये है, मतलब राइट में जाने के लिए ये है, ऐसे ये कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं इसको अप एंड डाउन के लिए। अगर इसको कभी भी आपको मतलब इस मोड में ये नहीं होगा, ये मॉनिटरिंग मोड में, अगर इसका आप कंट्रोल मोड में लेकर गया तो इसका सीपीयू की जगह से इसका दूसरा जगह मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ आपको इस केबल को कनेक्ट किया तो यहाँ आपको कोई भी पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको इस कीपैड का थ्रू आपको E10 या सारे FA वो सब आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के राइट। अगर आपको हाल्ट करना है तो शिफ्ट दबा के हाल्ट करना है फ्रेंड्स, इसके लिए ये पर्पज़ है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा U1 U2 U3 U4 और 0 वोल्ट है फ्रेंड्स। हमारा टेस्ट वोल्टेज दिया था U1 ही, जो इसका जो सबसे पहले पैरामीटर जो हम सेट करते हैं वो इसका वोल्टेज है। आप 0 के साथ रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं, और जो सेकंड पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं करते हैं वो इसका U2 का वोल्टेज में दिखते हैं, और थर्ड वाला U3 में दिखते हैं, फोर्थ वाला U4 में दिखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा टेस्ट पॉइंट वोल्टेज है, जो आप यहाँ पैरामीटर देखते हैं उसका वोल्टेज यहाँ रिफ्लेक्ट होगा फ्रेंड्स। अगर आपको इसको मेजर करना है तो यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, ऑटो चैनल में इसका सीक्वेंस मतलब फ्रीक्वेंस फ्लो कैसे होते हैं वो हम अभी समझ लेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको ऑलरेडी बताया था, पहले जितना भी एनालॉग इनपुट्स है हमारा जनरेटर का वोल्टेज है, या हमारा सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज है उस चैनल का, RST, तीनों फेज को RST बोल रहे हैं, और हमारा जनरेटर का करंट है तीनों फेज का, और हमारा फील्ड करंट है, ये सारे इसका हमारा जो एनालॉग इंटरफेस कार्ड में बोला था फ्रेंड्स, U01 U02 U01 इज़ फॉर चैनल 1, U02 इज़ फॉर चैनल 2 है फ्रेंड्स बेसिकली। सो U01 कार्ड में आ जाते हैं फ्रेंड्स। U01 कार्ड में आपको पता है ऑलरेडी जनरेटर का वोल्टेज सिंक वोल्टेज है 110 वोल्ट रहते हैं, हमारा PT सप्लाई आ रहा है जनरेटर वोल्टेज, सो 110 वोल्ट रहते हैं। ये यू सिंक का वोल्टेज जो हमारा PMG का वोल्टेज के हिसाब से आता है, वो भी PMG का वोल्टेज जनरली हमको 110 वोल्ट का 100 वोल्ट का आसपास रहता है, डिपेंड्स ऑन PMG का रेटिंग के हिसाब से। उस वोल्टेज को ये U01 कार्ड जो इंटरफेस कार्ड क्या करते हैं फ्रेंड, हमको 22 वोल्ट AC में कन्वर्ट किया था हमारा 110 वोल्ट AC को, और करंट को भी है जो हमारा एनालॉग करंट उससे 3 वोल्ट कर दिया, और फील्ड करंट को भी ये कम किया फ्रेंड्स, मतलब ये प्रोपोर्शनेटली कम करते हैं जो हमारा इंटरप्ट जनरेटर कार्ड में जाता है फ्रेंड्स। इंटरप्ट जनरेटर कार्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इसको और फर्दर कम कर देते हैं, और इसको हमारा ABD कन्वर्टर में जा देते हैं फ्रेंड्स। और इसको कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये आप देखेगा तो यहाँ ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा कुछ मतलब AC और DC दोनों में हमको कार्ड के अंदर दिख जाते हैं, मतलब ये बेसिकली इंटरप्ट जनरेटर कार्ड इसके लिए फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई भी अगर ये पहले जो एनालॉग ABD कन्वर्टर कार्ड को या एनालॉग कार्ड को जिसका वोल्टेज हमको कंपैटिबल वोल्टेज है वो देने के लिए इसका पहले पर्पज़ है इंटरप्ट जनरेटर कार्ड का। इसका दूसरी पर्पज़ है इंटरप्ट जनरेटर कार्ड का, इंटरप्ट जनरेटर यहाँ भी नहीं है, कहीं पे भी आपको इंटरप्ट जनरेटर कार्ड दिखते हैं। अगर इसका कोई भी इसका जो इनपुट पैरामीटर से इसका रेंज आउट ऑफ रेंज हो गया, फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये इसको आगे पल्से आगे जितना भी वो इनपुट से वो जाने नहीं देगा फ्रेंड्स, ये यहाँ संट कर देते हैं, यहाँ ही इसकी आउटपुट का बाद इसको आगे जाने नहीं देगा। अगर इसका एबनॉर्मल रेंज में अगर इसका इनपुट्स आया तो इसको जाने नहीं देगा। ये एक प्रोटेक्शन टाइप भी है हमारा कंट्रोलर का कार्ड में और हमारा एनालॉग कार्ड में, इसको जाने नहीं देगा फ्रेंड्स। इसीलिए ये कंपैटिबल वोल्टेज में ABD कन्वर्टर कार्ड है जो हमारा UN0610 कार्ड बताया था इसमें देगा फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद हमारा ABD कन्वर्टर कार्ड है एनालॉग कार्ड से हमारा CPU कार्ड में, जो हमारा मेन कार्ड है CPU कार्ड में जाता है फ्रेंड्स, और इसमें प्रोसेस होकर हमारा इसमें प्रोसेस होने के बाद जो हमको जो UC वोल्टेज आते हैं, जो कंट्रोल वोल्टेज में आपको बताया था जो UC वोल्टेज है फ्रेंड्स, इसका गेट कंट्रोल कार्ड में आते हैं। जितना UC ज़्यादा है तो उतना फायरिंग कम होगा और इसका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, ठीक है।
तो यूसी यहाँ आते हैं, सिर्फ यूसी वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज है, वो आने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। हमको एक हमको पहले भी बताया था पार्ट वन का वीडियो में, हमको यू सिंक्रोनाइज वोल्टेज है जो रेफरेंस के लिए हमको पल्सेस कैसे देना है, उस रेफरेंस के लिए हमको सिंक्रोनाइज वोल्टेज चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए हमारा इंटरप्ट जनरेटर कार्ड से पहले से हमारा सिंक्रोनस वोल्टेज है, इसमें आता है गेट कंट्रोल यूनिट है, जो हमारा फायरिंग कार्ड बताया था मैं आपको UN0663, इस गेट कंट्रोल यूनिट कार्ड में आते हैं हमारा सिंक्रोनस वोल्टेज, उसकी बेसिस में ये हमको पल्सेस जनरेट करते हैं फ्रेंड्स। और ये पल्सेस जनरेट करते हैं हमारा पल्स का इंटरमीडिएट स्टेज में आते हैं। अगर ये आपको बताया था, अगर ये स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम है तब ये, अगर ये ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है तो ये कार्ड रहता ही नहीं हमारा BHEL के डिहेवियर में। फाइनली पल्स फाइनल स्टेज ही रहते हैं हमारा इसका, ये हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम में। लेकिन स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में पल्स इंटरमीडिएट पल्स स्टेज में जाते हैं, इसके बाद फाइनल पल्स स्टेज में जाते हैं, इसके बाद हमारा थायरिस्टर्स को, जो चेकी चो थायरिस्टर्स को अलग अलग इसका पल्सेस जाते हैं और इसका पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको फायरिंग करते हैं फ्रेंड्स। और इसको पल्स ब्लॉक को कभी भी ब्लॉक करना है तो यहाँ से ब्लॉक करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको ऑलरेडी बताया था जिस चैनल चल रहे हैं उस चैनल का ब्लॉक नहीं रहता है और दूसरे चैनल को हमेशा ब्लॉक में रहता है यहीं पर ही। अगर इन केस कभी भी ये चैनल चेंज और होना है तो यही से यहाँ तक तो हमेशा वोल्टेज रहता है दोनों चैनल के लिए, इसीलिए हमको बम्पलेस ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रेंड्स हमका डीएवीआर में कभी भी चैनल चेंज और होने के टाइम पे। ये हमारा एनालॉग का सेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हमारा डिजिटल सेक्शन है, जो भी हमको डिजिटल इनपुट्स आते हैं वो हमारा डिजिटल इनपुट्स है। डिजिटल इंटरफेस कार्ड है, जैसे एनालॉग इंटरफेस कार्ड है ऐसे डिजिटल इंटरफेस कार्ड है फ्रेंड्स। दो कार्ड्स रहते हैं और दोनों कार्ड का थ्रू चैनल वन चैनल टू के लिए अलग है, और दोनों कार्ड का थ्रू हमको डिजिटल इनपुट कार्ड है डिजिटल आईओ कार्ड में आते हैं। अगर वो इनपुट से है तो इसका थ्रू जाते हैं और आउटपुट से है तो CPU से फिर इसका थ्रू आते हैं, और इससे हमारा फिर से इंटरफेस कार्ड में जाते हैं, वहाँ से हमको जो टर्मिनेशन जिसके लिए यूज़ करना है हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमको कोई फील्ड एप्लीकेशन के लिए किसी में यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। हमारे इंटरफेस कार्ड का भी पर्पज़ यही है फ्रेंड्स, हमको जो फील्ड का जो फील्ड से जो भी आ रहे हैं टर्मिनल्स, जो हमारा वोल्टेज है करंट से हमारा जो भी इनपुट्स आ रहे हैं आउटपुट्स आ रहे हैं उसको डायरेक्टली हमारा कंट्रोल कार्ड के साथ कनेक्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि वो सब्जेक्टेड टू कुछ भी हो सकते हैं। इसमें कोई मेगर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इसमें कोई ट्रांसिएंट वोल्टेज हो सकते हैं या कोई अर्थ फॉल्ट हो सकते हैं। इसको आइसोलेशन और प्रोटेक्शन के लिए हमको इंटरफेस कार्ड हमेशा रहते हैं फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। ये फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली हमारा कंट्रोल है फ्रेंड्स ऑटो चैनल का, ये इनके सब ऑटो चैनल रहते हैं, ये सब रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो CPU का प्रोसेस कैसे होते हैं ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं। CPU में बेसिकली जो जनरली कोई भी CPU में कंप्यूटर का CPU में जैसे होते हैं ऐसे फ्रेंड्स, इसमें रैम होते हैं, उस रैम में जो हमारा कंटिन्यूस वैल्यू से जो हमारा होते हैं वो सब प्रोसेस चलते हैं रैम में। और हमारा जो EEPROM में इरेजिबल EEPROM में उसमें हमारा सेटिंग्स और पैरामीटर जो हम मतलब एडिट कर सकते हैं वो सब EEPROM में रहते हैं। और हमारा EEPROM में जो भी फ्लैग्स रहते हैं वो EEPROM में रहते हैं। EEPROM ये दोनों मतलब जनरली रीड ओनली है, ये मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमारा EEPROM और रैम का है उसी का ही हम कर सकते हैं फ्रेंड्स कीबोर्ड का थ्रू। ये हमारा CPU का ओवरव्यू है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा अगर ये मैनुअल चैनल है, मैनुअल चैनल है तो क्या होता है फ्रेंड्स, मैनुअल चैनल है तो हमको मैनुअल चैनल में हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फील्ड करंट चाहिए। हमको मैनुअल चैनल इज नथिंग बट फील्ड करंट कंट्रोल, फील्ड करंट रेगुलेशन भी बोलते हैं मैनुअल चैनल को। हमको सिर्फ फील्ड करंट चाहिए और यू सिंक वोल्टेज चाहिए हमको पल्स ब्लॉक के लिए, पल्स सिग्नल के लिए। तो यू सिंक्रोनाइजिंग वोल्टेज आते हैं और फील्ड करंट आते हैं, हमारा U01 कार्ड है एनालॉग इंटरफेस कार्ड से हमको ये दोनों आते हैं। इसके एनालॉग इनपुट मॉड्यूल बोल दिया फ्रेंड्स, एंड एक्चुअली ये एनालॉग इंटरफेस कार्ड ही है। इसके बाद हमारा CPU में आते हैं, CPU के बाद जो पहले जैसे ही हमारा इंटरमीडिएट पल्स टेस्ट फाइनल पल्स टेस्ट, इसके बाद सारे थायरिस्टर्स में हमारा पल्स ट्रांसफार्मर का थ्रू फायरिंग जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसे हमारा डिजिटल इनपुट्स भी इसके थ्रू जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको मैनुअल चैनल में ये सब जरूरत नहीं है, डिजिटल इनपुट्स और एक बाकी सब का जरूरत नहीं है, कंट्रोल CPU का ये सब का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारा मैनुअल चैनल में सिर्फ
हमको गेट कंट्रोल यूनिट है, जो गेट कंट्रोल यूनिट से ही पूरा काम है फ्रेंड्स। डायरेक्ट हमको गेट कंट्रोल यूनिट पे जाते हैं। मैनुअल चैनल इसीलिए है कि मैनुअल चैनल में कोई सीपीयू नहीं रहते हैं मैनुअल चैनल में, और ये ऑटो में नहीं चलते हैं, और सिंपल नॉर्मल फील्ड करंट रेगुलेशन कंट्रोल है फ्रेंड्स। जो हम फील्ड करंट दे देंगे, जो हम सेट पॉइंट दे देंगे, वही रहेगा। इसको अगर चेंज करना है तो मैनुअली चेंज करना पड़ता है। तो ये सिंपल कंट्रोल है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं है, कोई सीपीयू नहीं है, कोई एनालॉग आउटपुट कार्ड नहीं है, डिजिटल कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। और इसका जो इनपुट्स है, डिजिटल आउटपुट जाता है इसमें, इनपुट्स कोई लेता नहीं है, बाइनरी इनपुट्स। यहाँ से डिजिटल आउटपुट तो डिजिटल आउटपुट के इंटरफेस कार्ड में जाते हैं, क्योंकि वो हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बिहेवियर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो सब फीडबैक के लिए ज़रूरत है। तो इसीलिए डिजिटल आउटपुट जाते हैं यहाँ से। हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा जो पहले हमको बाइनरी इनपुट्स का जो कंट्रोल, मैं आपको बताया था बाइनरी इनपुट्स जितना भी इनपुट्स या आउटपुट्स है, इनपुट्स के लिए अलग एक कार्ड है, UNC4661 है, इनपुट इंटरफेस कार्ड है। दोनों को बेसिकली डिजिटल IO के इंटरफेस कार्ड्स बोलते हैं, और ये इनपुट्स के लिए UNC4661 है, इनपुट इंटरफेस कार्ड है, और आउटपुट के लिए UNC4662 है, आउटपुट इंटरफेस कार्ड है फ्रेंड्स। जो हमारा इनपुट्स आते हैं, ये दोनों हमारा हमारा डिजिटल IO कार्ड में आते हैं, UN0662 जो हमारा रैक पे जो मेन कनेक्टेड है उसमें आते हैं। तो इनपुट्स सारे इसमें आते हैं, और इसके बाद हमारा प्रोसेसर में जाते हैं, और माइक्रो टर्मिनल से जो भी हम चेंज कर रहे हैं उसके द्वारा जो भी आते हैं, इसके बाद जो आउटपुट जनरेट होते हैं यहाँ से, फिर इसी कार्ड का थ्रू हमारे इंटरफेस का कार्ड का थ्रू डायरेक्ट जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा बाइनरी कंट्रोल है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेशन कंट्रोल, वावरल कैसे रहते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको वावरल ये बता रहा हूँ। मैं अभी ये बताया था इनपुट्स के लिए ए कार्ड है, आउटपुट्स डिजिटल इनपुट्स डिजिटल आउटपुट के इंटरफेस कार्ड है। हमारा स्टेशन से आया, हमारा जो भी कमांड्स आया था उसको डिजिटल IO कार्ड में आया था। डिजिटल IO कार्ड का थ्रू हमको ऑन करना है, डीएवीआर को ऑफ करना है, बंद करना है, ट्रिप करना है, या जनरेटर ब्रेकर ऑन हुआ, सारे फीडबैक यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद हमको ये सारे डिजिटल IO कार्ड से फ्रेंड्स डिपेंड्स ऑन, जितना इनपुट ज़्यादा है तो उसकी बेसिस में हमको क्वांटिटी ऑफ ये डिजिटल IO कार्ड्स रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद ये डिजिटल इनपुट सारे हमको सीपीयू में आते हैं, प्रोसेसर में, ठीक है फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा जो आपको बताया था एक PLC सिस्टम है, और हमारा मैक्स DNA सिस्टम बताया फ्रेंड्स। लेकिन दो प्रोसेसर क्यों, मैं ये आपको थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली हमारा PLC सिस्टम है, हमारा जो DAVR के उसका है सारे हमारा। ये हमारा आप देखेंगे तो फ्रेंड्स हमारा दो चैनल है, हमारा दोनों चैनल जो रह रहा था फिजिकली, इसका जो मेन कंट्रोल है हमारा PLC सिस्टम का थ्रू ही होते हैं। लेकिन जो हमारा चैनल चेंज हो रहे हैं, और इसका बाकी जितना भी लॉजिक है, इसका फील्ड ब्रेकर को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कितना भी हमारा लॉजिक है, पूरा पूरा कि पूरा हमारा DPU प्रोसेसर में रहते हैं फ्रेंड्स, DPU1, DPU2 एंड IO में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये चैनल वन और चैनल टू का दोनों का हमारा PLC में भी आते हैं, हमारा DAVR का जो हमारा CPU बोला था हमने, वो CPU में भी आते हैं फ्रेंड्स, और ये सब पैरेलली DPU में भी आते हैं, और दोनों प्रोसेस करते हैं। कुछ कुछ मतलब जो मेजर लॉजिक है वो DPU में रहते हैं, पूरा ऑन ऑफ का, सारे इंटरलॉक का, और जो मेन है हमारा जो कंट्रोल है DAVR का जो कंट्रोल है, उस PLC कार्ड में रहते हैं फ्रेंड्स, जो हमने पहले दिखाया था, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने पहले दिखाया था। जैसे ही हमारा UN0660, इसको PLC बोलते हैं हम लोग, इस PLC को, इस सिस्टम को पूरा PLC बोलते हैं, और हमारा DPU को हम लोग मैक्स DNA बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका सप्लाई है फ्रेंड्स हमको, जो मेन सप्लाई से हमको 24 वोल्ट, जो हमारा SMPS का थ्रू हमको जो आते हैं रेसर माइनस 24 वोल्ट, वो हमको पूरा सबको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, जो हमारा DC सप्लाई, जो हमारा सप्लाई आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा 3-phase AC सप्लाई जो हमारा आप बोल रहा था, वो हमारा PMG का सप्लाई हो सकते हैं, या कोई रिलायबल सप्लाई वो हो सकते हैं, या हमारा जो बैटरी सप्लाई है, हमारा बैटरी चार्जर से आ रहे हैं, ये भी हमारा रिलायबल सप्लाई DC सप्लाई हो सकते हैं रिडंडेंसी के लिए। इसके बाद हमको DC बस बनते हैं, हमारा 110 वोल्ट का, यार कुछ 110 वोल्ट का जनरली DC बस, या 220 वोल्ट का DC बस बनते हैं। इसके बाद हमारा SMPS रहते हैं फ्रेंड्स, 24 वोल्ट जो हमारा कार्ड का वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से हमारा SMPS रहते हैं। एक हमारा SMPS सिस्टम है चैनल वन के लिए, सप्लाई के लिए,
दूसरा चैनल टू के लिए है और बाकी पूरा कंट्रोल के लिए है एक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो जो चैनल्स का डिफरेंट डीवीआर में कैसे होते हैं ये हमारा पार्ट वन का वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, और अभी थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर इन केस ये ड्यूअल ऑटो मैनुअल चैनल है, मतलब उसमें चैनल वन में ऑटो चैनल भी है और मैनुअल चैनल भी है, और चैनल टू में ऑटो चैनल भी है और मैनुअल चैनल भी है, तब इसका ऑपरेशन है फ्रेंड्स। इन केस डीएवीआर है ऑटो चैनल, चैनल वन ऑटो में चल रहे हैं, इन केस चैनल वन ऑटो फेल हुआ तब हमको चैनल टू का ऑटो में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर चैनल टू का ऑटो भी फेल हो गया तो वो चैनल टू का मैनुअल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन केस उस चैनल टू का मैनुअल टू भी फेल हो गया तो तब ये डीएवीआर ट्रिप हो जाते हैं फ्रेंड्स। जो पार्ट वन का वीडियो में बताया था इसका कभी भी मैनुअल से ऑटो में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, और एक मैनुअल चैनल से दूसरे मैनुअल चैनल में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा इसका वाइस वर्सा इनकेस रिवर्स है, तो अगर इनकेस ड्यूअल ऑटो और सिंगल मैनुअल चैनल है फ्रेंड्स, तब क्या होते हैं, अगर चैनल वन ऑटो में चल रहे हैं, अगर इनकेस चैनल वन ऑटो फेल हो गए तो चैनल टू का ऑटो में आते हैं, और चैनल टू ऑटो भी फेल हुआ तो मैनुअल चैनल में चला जाता है। इनकेस मैनुअल चैनल फेल हो गया तो तब हमको ट्रिप हो जाते हैं। अगर मैनुअल चैनल में चल रहे हैं, इनकेस ऑटो चैनल जो पहले गया था इसको रीसेट भी कर दिया, वो हेल्दी है, फिर भी हमको मैनुअल से ऑटो जाता नहीं है फ्रेंड्स, अगर इनकेस मैनुअल चैनल फेल हो गया तो वो मिशन ट्रिप हो जाते हैं। अगर मैनुअल टू ऑटो ऑटो करना है तो आपको जो नल बैलेंस वोल्टेज देख कर आपको मैनुअली करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट डे हमारा सिंगल ऑटो, मतलब सिंगल चैनल वन ऑटो है, चैनल टू मैनुअल है फ्रेंड्स। तब क्या होते हैं, अगर चैनल वन जनरली ऑटो में चलते हैं, इनकेस ऑटो चैनल फेल हो गया तो ये डीएवीआर मैनुअल में चला जाता है, इनकेस मैनुअल चैनल भी फेल हो गया तो मिशन डीएवीआर ट्रिप हो जाते हैं, तद्वारा मिशन ट्रिप हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा बेसिक ओवरव्यू है फ्रेंड्स हमारा बीएचईएल के डीएवीआर के बारे में, और भी वीडियोस इसके बारे में बना देंगे फ्रेंड्स हमारा।